लेआउट के बारे में हम पढ़ते हैं, होम लेआउट हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। होम लेआउट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लॉट एरिया चाहिए होता है, प्लॉट एरिया एंड देन किस डायमेंशन पे आप वर्क कर रहे हैं, किस डायमेंशन पे आपने प्लॉट एरिया को मेज़र किया है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं प्लॉट्स के फिट एंड इंचेस में, सो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी बाई कितनी है, मीन्स लेंथ और विड्थ उसकी पता है, हमारे पास एरिया कितना है इतना मालूम है। नेक्स्ट हमें लेआउट अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है, तो वो हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं फिट, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जो मेजरमेंट्स हैं वो फिट इंचज़ में, इसलिए हम ड्राॅइंग यूटिलिटीज़ में जाकर यूनिट्स में जाएंगे एंड देन वैल्यू को आर्किटेक्चर में सेट करेंगे ताकि वो फिट इंचज़ पर आ सके। ओके, ये हम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रेस ओके, अगेन सेकेंड साइड से भी आप कंफर्म कर लीजिए कि फिट इंचेस में है यानी। वैसे तो यहाँ पे प्रीव्यू पे आप देखेंगे फिट इंचेस में, फिर भी हम प्राइम यूनिट्स में जाके क्रॉस चेक कर लेते हैं आर्किटेक्चर एंड देन फिट इंचेस। ठीक है, ये आप इस अगर सेट नहीं है तो आप सेट कर लीजिएगा एंड देन प्रेस ओके करिएगा, दैन सेट करेंट करिएगा दैन क्लोज। ओके, इसके लिए हमें लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, तो लाइन हम ले लेते हैं, क्लिक करिए। एरिया आपका जो फ्रंट एरिया हमें मिला है वो है 45 फिट का, 45 फिट हम लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, 45 फिट हमने लिया एंड देन प्रेस एंटर करिए, प्रेस एंटर किया मैंने। नेक्स्ट आप जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, अगर जूम आउट ऑप्शन चाहिए तो ये आपका लास्ट ऑप्शन आता है जूम आउट का, ये जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं, ये मैंने ले लिया। अगर आप एक्स एंड वाई एक्सिस को यूसीएस को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ई कॉर्नर पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन लाइन लीजिएगा, फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट में लेती हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन, 45 बाय 75 का एरिया है तो 75 फिट अगेन मैं लेती हूँ, 75 फिट मैंने लिया एंड देन प्रेस एंटर हमने किया। अगेन आप ले सकते हैं या तो ट्रैक कर सकते हैं आप देखिए, या तो इस तरीके से आप इस पॉइंट से ये आप जाइएगा, क्लिक नहीं करना है आपको, सिर्फ ट्रैक करना है। देन आप अगर यहाँ पे आएंगे तो ये ट्रैक कर सकते हैं, आप पॉइंट क्लिक करिए यहाँ पे, या फिर आप 45 फिट की वैल्यू ले सकते हैं। ये हमारा बन गया एग्जैक्ट रेक्टेंगल एरिया है, इसलिए हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर डायगनल एरिया रहेगा तो आपको एट द रेट डिस्टेंस ग्रेटर देन एंगल का यूज़ करना पड़ेगा, अगर एंगल में कोई वैल्यू है तो। इसे हम कन्फर्म कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमने दी है वो एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं, देखेंगे 45 फिट ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे जूम करके एग्जिट पॉइंट से ही नजर करिएगा, पुट किया मैंने 75 फिट ओके, आप देख सकते हैं 75 फिट की वैल्यू आई है। अगर आप डायमेंशन बढ़ाना चाहते हैं डी एंटर करिए, मॉडिफाई पे जाइए, टेक्स्ट की हाइट अगर आपको बढ़ानी है जैसे मैंने 2 इंचेस किया है, अगर मैं 4 इंचेस कर देती हूँ एंड देन प्रेस ओके देन सेट करें देन क्लोज, आप देखेंगे वैल्यू थोड़ा सा ओके। अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं। ये हमारे पास एक एरिया है, इसमें हमें सबसे पहले पीछे साइड, इट मीन्स आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि पीछे आपको एटलीस्ट 5 फिट का एरिया छोड़ना चाहिए, चारों तरफ एटलीस्ट 3-3 फिट और 2-2 फिट का एरिया आपको छोड़ना मस्ट रहता है, ताकि आप साथ में सामने आपको एक लॉन एरिया देना है एंड देन आपको एक पोर्च एरिया देना है। तो सबसे पहले हम पीछे से बनाते हुए चलते हैं, आप ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं, सेम आपको चाहिए यहाँ पर ऑफसेट का यूज़ कर लीजिए। ऑफसेट डिस्टेंस आप देखेंगे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 फिट की वैल्यू डालती हूँ, 5 फिट का वैल्यू मैंने दिया 5 फिट और डायरेक्शन दीजिएगा एंड देन प्रेस एंटर, ये आपको 5 फिट का एरिया छोड़ गया। नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पे इस एरिया में एटलीस्ट 4 फिट का एरिया छोड़ना है, तो फिर से आप ऑफसेट डिस्टेंस लीजिए और दीजिए वैल्यू 4 फिट की वैल्यू दीजिए एंड देन प्रेस एंटर, देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए एंड देन डायरेक्शन दीजिए, ये आपका एरिया सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगेन सेलेक्ट करिए एंड देन ट्रिम ऑप्शन का यूज़ करिए, जो लाइन आपको नहीं चाहिए उस लाइन को क्लिक करिए, ये आपका ट्रिम हो जाएगा ऑप्शन। नाउ आपको अब लॉन एरिया आपको देखना है कि फ्रंट पे आपको लॉन एरिया कितना चाहिए, तो लॉन एरिया आप छोड़ सकते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस अगेन हम लेंगे, लॉन एरिया 12 फिट का आपका पोर्च एरिया हो जाता है, एटलीस्ट आपको 12-15 फिट का एरिया आप पोर्च के लिए छोड़ना पड़ता है, तो हम 15 फिट ले लेते हैं, 15 फिट सफिशियंट है पोर्च और लॉन के लिए, 15 फिट का हम फ्रंट एरिया छोड़ देते हैं।
जिसमें एक साइड लॉन हो जाएगा एंड देन कुछ एरिया भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट ये हमने ले लिया, यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस अगेन आप लेंगे, ये अगेन आप सेलेक्ट करिए जो एरिया जो लाइंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसे आप क्लिक करके ट्रिम कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया नेक्स्ट। अब आप देखिए मेन वॉल्स जो होते हैं 99 इंचेस के एटलीस्ट वॉल्स होते हैं, तो ऑफसेट डिस्टेंस अब मैं वॉल के लिए लेती हूँ, मैंने लिया वैल्यू 9 इंचेस का। 9 इंच की जो मेन वॉल है वो हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द साइड बेस जो होता है वो हमारा 9 इंचेस का रहता है। ये हमने ले लिया, अंदर साइड लिया है हमने ताकि वो जो बाहर का एरिया हमने लिया है वो कवर हो जाए। नेक्स्ट आपको कॉर्नर में हमें एक रूम बनानी है या फिर वॉश निकालना है आपको, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले कॉर्नर एरिया हमें निकालना है, आप चाहें पीछे तो आप लॉन एरिया भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, और साथ में यहाँ पे किचन अगर आपको चाहिए तो किचन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सफिशियंट एरिया है। यहाँ पे अगर ड्राॅइंग एरिया निकालना चाहें आप ड्राॅइंग एरिया निकाल सकते हैं। ये पोर्च एरिया है, पोर्च एरिया डिवाइड करने के लिए अगेन मैं ऑफसेट डिस्टेंस लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक का, एटलीस्ट 10 फिट का होना चाहिए, तो मैं 10 फिट की वैल्यू लेती हूँ। एंड सेंटर लाइन आप क्लिक करिए एंड देन ये पोर्च एरिया आप डिफाइन करिए यहाँ पे, बाकी अदर सेलेक्ट करिए एंड देन ट्रिम आप ले सकते हैं। ये लाइन आपको नहीं चाहिए, ये लाइन आपको नहीं चाहिए, ये आपने पोर्च एरिया डिफाइन कर लिया कि ये एरिया पोर्च एरिया है एंड देन ये लॉन एरिया है आपका। नेक्स्ट आप मतलब डिलीट कर दीजिएगा, ये आपका पोर्च एरिया। जैसे आप पोर्च एरिया से एंटर करते हैं पोर्च एरिया से जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक हॉल होना चाहिए, हॉल आपको डिवाइड मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे साथ में आप रूम्स बना सकते हैं, किचन्स बना सकते हैं आप चाहें तो, इस साइड पे किचन बना सकते हैं, किचन का रूम बना सकते हैं, यहाँ पे बैक साइड पे आपको रूम्स मिल सकते हैं, या फिर यहाँ एक रूम बना सकते हैं आपको 2 BHK रेडी करना है। सो हम सबसे पहले मेज़र कर लेते हैं कि हमारे पास एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारे पास कितना एरिया बचा हुआ है। 56 का एरिया बचा हुआ है, 56 एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है 56 का, तो हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं हमारे पास जो हमारे पास ड्रॉअर का एरिया है। ओके देन हम हॉल के लिए रेडी करते हैं, हॉल हम किस तरह से ले सकते हैं, 53 का एरिया है, इट मीन्स आप 53 को 3 से भी डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं तो 25 एटलीस्ट, उसके बाद भी आपको 25 फिट का एरिया मिल जाएगा। सो हम ओपन किचन भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूम निकाल लेते हैं कि आप किस तरीके से रूम ले सकते हैं। 53 का एरिया, आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे रूम्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक ऑफसेट डिस्टेंस लेंगे, बीच में आप वॉश बना सकते हैं यहाँ पे एरिया, यहाँ पे आप किचन वगैरह बना सकते हैं, तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से टोटल एरिया। सबसे पहले हम यहाँ 14 फिट का ऑफसेट लेंगे, अगेन ऑफसेट डिस्टेंस आप लीजिए 14 फिट एंड देन प्रेस एंटर। मैं अंदर वाली लाइन से ऑफसेट डिस्टेंस ले रही हूँ, ये मैंने 14 फिट लिया, आप इसे मेजर कर लीजिए एक बार कन्फर्म लीनियर के थ्रू कि 14 फिट है या नहीं। 14 फिट मैंने लिया, ऑफसेट 14 फिट है, 14 फिट का एरिया सफिशियंट होता है। 14 फिट मैंने लिया, 14 फिट लेने के बाद यहाँ से एक यहाँ तक का एरिया आप 12 फिट ले सकते हैं, 14x14 का भी आप रूम बना सकते हैं। 14x14 आपका काफ़ी बड़ा एरिया होता है, 14x12 भी अगर आप लेते हैं तो भी काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो 14x12 का रूम आप ले सकते हैं, 14x14 का रूम ले सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस में लेती हूँ 14। अब सबसे पहले यहाँ पे स्पेस देख लीजिए कि आपको टोटल स्पेस इस साइड पे कितना स्पेस आपको मिलता है, अब देखेंगे कि 40 का स्पेस है आपके पास। अगर आप 25 फिट का हॉल भी करते हैं तो भी वो बहुत बड़ा एरिया होता है, 20 फिट का भी अगर आप हॉल करते हैं तो भी बहुत बढ़िया बड़े एरिया में वो आता है, तो हम यहाँ पे 14x15 फिट का रूम कर सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस आप लीजिएगा 15, मास्टर बेडरूम में बना रही हूँ 14x15 फिट, या फिर 14x16 का आप एरिया ले सकते हैं, मैं ऑफसेट डिस्टेंस ले लेती हूँ 6। ओके
नेक्स्ट हम एरिया देख रहे थे, एरिया कितना है यहाँ पे, 40 फिट का एरिया हमारे पास है। हम देखिए यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप क्लिक करते हैं, लीनियर आप डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप क्लिक करते हैं तो 40 फिट 3 इंचज़ का एरिया है, काफ़ी एरिया है हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं 40 फिट, इट मीन्स अगर आप 15 15 फिट के 2 रूम्स भी बनाते हैं उसके बाद भी आपके पास एरिया बचता है। सबसे पहले 14 फिट का हमने यहाँ पे ऑफसेट लिया था, आप देखेंगे लास्ट हम जब लेआउट बना रहे थे यहाँ पे 14 फिट का एरिया है, ये 14 फिट है, 14 फिट का एरिया आपके पास यहाँ पर बचता है। साथ में 14 बाय 16 का आप बेडरूम ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ अगेन 16 फिट एंटर, ये 16 फिट का ऑफसेट डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया, 14 बाय 16 फिट का एरिया आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर वॉश एरिया आप निकालना चाहें तो वॉश एरिया प्लस ड्रेसिंग भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ओपन एरिया रखना है तो ओपन एरिया भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 8 फिट और 9 फिट का मैं ऑफसेट डिस्टेंस अगेन लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वॉल डिस्टेंस आपको लेना है क्योंकि ये 14 फिट है, तो मैं अगेन 9 इंचज़ का वॉल ले रही हूँ। ऑफसेट डिस्टेंस आप लीजिए एंड देन 9 इंचज़ आप प्रेस करिए एंड देन प्रेस एंटर। मैं यहाँ पे 9 इंचज़ की वॉल ले लेती हूँ, 9 इंचज़ का वॉल आप देखेंगे एंड देन अगेन यहाँ पे 9 इंचज़ का वॉल हम लेते हैं क्योंकि 16 फिट है, तो 9 इंचज़ का वॉल लेना बनता है। 9 इंचज़ प्लस एंटर, हम अगेन आउटर साइड पे 9 इंचज़ का वॉल लेते हैं। अगर आप मैंशन करना चाहते हैं तो मैंशन कर सकते हैं। अगेन आप ऑफसेट डिस्टेंस लीजिए, अगेन मैंने ऑफसेट डिस्टेंस लिया। ऑफसेट डिस्टेंस लेने के बाद आपको वॉशरूम के लिए कितना एरिया चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 9 फिट का एरिया चाहिए, 9 फिट मैंने लिया एंड दस एंटर। आप 9 फिट का एरिया, ये रहा आपका 9 फिट का एरिया, 9 फिट का एरिया मैंने लिया। 9 फिट का एरिया लेने के बाद अगेन ऑफसेट डिस्टेंस आप एक साइड 4 इंचज़ का भी ले सकते हैं या फिर 9 फिट का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 इंचज़ का वॉल यहाँ पर लेती हूँ या 5 इंचज़ आप ले सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने प्रेस एंटर, ये मैंने वॉल बना लिया 4 इंचज़ का। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया आपके पास बच जाता है, पूरा पूरा 16 फिट का एरिया है, बट 16 फिट का आपको एरिया चाहिए नहीं है। तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए ये आपको। नेक्स्ट आप यहाँ पे रूम के लिए अगेन आप डाल सकते हैं, अगेन आप 14 फिट लीजिए, 14 फिट का मैं लेती हूँ, फिट एंटर अगेन। यहाँ पे आप देखिए कितना एरिया आपके पास यहाँ पे बचता है, सबसे पहले 29 फिट का एरिया आपके पास बच रहा है यहाँ पे। सो ऑफसेट डिस्टेंस ले लेते हैं, अगेन ऑफसेट डिस्टेंस आप 9 फिट का ले लीजिए, अगेन ऑफसेट डिस्टेंस मैंने फिट कर लिया। ओके दैन अगेन आप ऑफसेट डिस्टेंस लीजिएगा 9 इंचज़ के लिए, प्रेस एंटर। 9 इंचज़ का मैंने ऑफसेट पे एरिया लिया एंड देन अगेन आप ऑफसेट डिस्टेंस लीजिए एटलीस्ट 12 और 13 फिट का। तो मैं फ़िलहाल 14 फिट का मैं एरिया देखती हूँ कि कितना स्पेस हमारे पास रेस्ट बचता है। ये 14 फिट का मैंने एरिया लिया हुआ है, 14 फिट का एरिया लेने के बाद 9 इंचज़ आप ले सकते हैं, 9 इंचज़ एंड 9 इंचज़ का आउटसाइड में लेती हूँ। अब आप इसे ट्रिम करिए, पूरा सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद पहले हम डिविजन्स कर लिया करते हैं, तो ये डिविजन्स मैंने कट कर लिया एंड देन ये जो बचा हुआ है ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से काट दीजिए। ओके ये कट साफ कर सकते हैं क्योंकि ये कट साफ करना चाहिए नहीं। ये हो गया आपके 2 रूम्स बन गए हैं, साथ में आपका 2 रूम्स का एरिया मैंने निकाल लिया है, साथ में बड़े वॉशरूम एरियाज भी मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से। सो तो बेडरूम्स यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बेडरूम्स, अच्छे बेडरूम्स बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 9 फिट का एरिया मैंने लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 फिट का एरिया आप ले सकते हैं, यहाँ पे 9 फिट पर 10 फिट का आप बना सकते हैं, 11 फिट का बना सकते हैं। तो मैं ऑफसेट डिस्टेंस अगेन लेती हूँ 11 फिट एंड क्लिक किया मैंने, 11 फिट का मैंने डिस्टेंस दिया। अगेन आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रिम ऑप्शन लेना है, ट्रिम ऑप्शन लेने के बाद आप इस तरह से मैंने ट्रिम किया। नेक्स्ट आप इसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस आपको 4 इंचज़ का ले सकते हैं आप, 4 इंचज़ मैंने लिया प्रेजेंट बाहर से।
करने के बाद ट्रेन ऑप्शन अगर आपको ये लाइन नहीं चाहिए तो आप ट्रेन टेन बाई इलेवन का काफ़ी सफिशियंट एरिया आपको मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये एरिया कितना आपको मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको कितना मिल रहा है। दिस इज़ 4 फिट 8 इंचज़ का एरिया आपको मिल रहा है, मतलब आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं फॉर द ड्रेसिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। 4 फिट 8 इंचज़ के एरिया काफ़ी होता है, तो मैं ड्रेसिंग एरिया के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अगेन आप इसे सेलेक्ट करिए, आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगेन या तो आप लाइन बढ़ा सकते हैं या फिर आप लाइन इस तरीके से, मैंने ये ड्रेसिंग एरिया ले ली। अगेन आप इन लाइंस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और तो ऑन करके रखिएगा। ये सेलेक्ट किया मैंने, अगेन इसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद अब एक्स्ट्रा लाइन्स जो है आप इसे ट्रिम कर सकते हैं मेरे एरिया। तो आपके पास ये जो एरिया, ये काफ़ी अच्छा एरिया आपको मिल जाता है। आप लीनियर जब आप सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये आपको एरिया 9 फिट बाय 4 फिट का जो एरिया है आपको ड्रेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल सकता है। कवर्ड्स यहाँ पे काफ़ी आ सकते हैं, आप ये एरिया पूरा कवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेडरूम्स भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज के आपको मिल रहे हैं। आप देखेंगे मैं एक बेडरूम आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। लीनियर आप जाइए, क्लिक किया आपने, 16 बाय 14 फिट का, 16 बाय 14 फिट का बेडरूम एरिया मिल रहा है। ये आपने लेआउट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आपने 2 बेडरूम्स बना लिए हैं, अब आपके पास एरिया है, किचन का एरिया आपके पास रह जाता है। किचन आप अगर ओपन किचन ड्रॉ करना चाहते तो ओपन किचन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट आपको अगर रूम के लिए, एंड यहाँ पे आप आउटर में देखिए आपके पास कितना ओपन एरिया बचता है। ये आप देखिए 10 फिट का एरिया, 10 फिट का एरिया सफिशियंट ओपन एरिया होता है। ये आप बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रास एरियाज के लिए, सिटिंग के लिए एरिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विंडोज़ मिल जाते हैं, अच्छा खासा लुक मिल जाता है इसके लिए। आप 6 6 फिट के विंडोज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आपको एरिया विंडोज़ के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देखिए मैं विंडोज़ बनाने के लिए, विंडो डिवाइड करने के लिए अगेन आप पॉली लाइन का यूज़ करिए। पॉली लाइन यूज़ करने के बाद अगर मैं 10 फिट का विंडो देती हूँ, 10 फिट मैंने लिया, 10 फिट एंडो, 10 फिट का ये विंडो आ रहा है, देन आप 9 इंचज़ ले सकते हैं। 9 इंचज़ की जो एरिया है आपको अगेन आप सेलेक्ट करिए एंड देन क्लिक करिए 10 फिट। अब आपको विंडो जहाँ सेट करना है, आप चाहे विंडो को अच्छे से एक्सप्लेन करना तो ये सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट डिस्टेंस आप ले सकते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल क्लिक करके मैंने यहाँ 3 इंचज़ का ऑफसेट डिस्टेंस लिया। अगेन आप अगर लेना चाहते हैं ये मैंने आपका विंडो किया, देन मूव करिए ऑन द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से आप जहाँ विंडो रखना चाहते हैं उस सेक्शन में आप विंडो रख सकते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके मैं इस विंडो कर दूँगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे विंडो रखना। अगेन मैंने सेलेक्ट किया, आप इसका कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आप विंडो अगेन जहाँ आप विंडो रखना चाहते हैं वहाँ आप विंडो रख सकते हैं। ये आपने 2 विंडोज़ भी, विंडो का व्यू बहुत अच्छा आएगा, पीछे लॉन है इस रूम के लिए, इस रूम के लिए भी लॉन, फ्रंट लॉन के लिए आपने देखा है। वेंटिलेशन के लिए आप वेंटिलेशन 1 फिट का ले सकती हैं, सेलेक्ट करिए आप 2 फिट और 1 फिट का ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 फिट बाय 2 फिट का एरिया ले लेती हूँ, 2 फिट बाय 2 फिट का मैंने वेंटिलेशन ले लिया। अगेन आप यहाँ पे 2 फिट सेलेक्ट करिए, पॉलीलाइन ले लीजिए। पॉलीलाइन लेने के बाद आप यहाँ पे 2 फिट दीजिएगा, 2 फिट के बाद यहाँ पे 2 बाय 1 फिट का एरिया मैं ले लेती हूँ। अगेन 2 फिट मैंने दिया एंड देन क्रॉस करिए, ओके ये आप ले लेते हैं। अगेन आप इसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑफसेट अगर आप लेना चाहें तो ऑफसेट डिस्टेंस अगेन मैं लेती हूँ यहाँ पे, ये आप ले लीजिए। अगेन आप इसे सेलेक्ट करिए, आप इसे कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप जिस सेक्शन में रखना चाहें उस सेक्शन में 1 टिक, ओके देखेंगे। हमने यहाँ पे वेंटिलेशन फिट किया हुआ है, वेंटिलेशन फिट करने के बाद
इसी वेंटिलेशन को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं मिडल पे, जहाँ पे आप वेंटिलेशन सेट करना चाहें वहाँ पे आप वेंटिलेशन शो कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे और नेक्स्ट है कट्स लेने पर। नेक्स्ट यहाँ पे हॉल का एरिया हम देखेंगे, हॉल का एरिया कितना बच जा रहा है, 23 फिट 6 इंचज़, 23 फिट 6 इंचज़ का आपको एरिया यहाँ पर मिल रहा है। 23 फिट 6 इंचज़ के साथ 23 फिट 6 इंचज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे किचन के लिए है, आप चाहें तो एक और बेडरूम आप यहाँ पे देखेंगे, एक और छोटा सा बेडरूम आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। 53 फिट का एरिया मुझे 53 फिट बहुत होता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे एटलीस्ट 4 फिट का मैं ऑफसेट डिस्टेंस लेती हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया है 4 फिट एंटर मैंने लिया। 4 फिट एंटर लेने के बाद ये लाइन मैंने क्लिक की 4 फिट। नेक्स्ट अगेन ऑफसेट डिस्टेंस आप ले सकते हैं 4 इंचज़ एंटर, 4 इंचज़ मैंने ऑफसेट डिस्टेंस लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको मेन जो वॉल है, मेन वॉल जो दिख रहा है इसका भी ऑफसेट डिस्टेंस लेना है। ऑफसेट डिस्टेंस अगेन 9 इंचज़ दीजिएगा पहले सेंटर के लिए, अगेन ये 9 इंचज़ का जो एरिया है यहाँ पर मेन ऑफसेट डिस्टेंस लीजिए 9 इंचज़। आप एंटर करिए, 9 इंचज़ एंटर करने के बाद मेन लाइन क्लिक करिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितना एरिया बचता है, आप देखिए 15-18 फिट का एरिया बच रहा है। आप चाहें तो इसे और भी ले सकते हैं, क्लिक करिए ऑप्शन में, यहाँ से 14 फिट का ऑफसेट डिस्टेंस लेती हूँ, अगेन 14 फिट और 16 फिट आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 16 फिट एंटर 16 फिट का मैंने यहाँ पे लिया, 16 फिट मैंने लिया यहाँ पे 16 फिट का ऑफसेट डिस्टेंस। उसके बाद आप ऑफसेट डिस्टेंस अगेन 4 और 5 इंचज़ का आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको 4 इंचज़ का मिल गया आउटर साइड पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन कितना बच रहा है इस कॉर्नर टू इस कॉर्नर, 6 फिट 5 इंचज़ का है, इतनी सी सफिशियंट एरिया 6 फिट का एरिया आपको यहाँ पे लाइन मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप 16 फिट में ले चुके हैं, अगेन ऑफसेट डिस्टेंस आप लीजिए, अगेन ऑफसेट डिस्टेंस का मैं 14 फिट या फिर 12 फिट का एरिया ले सकते हैं। 14 फिट जैसे मैंने लिया, यहीं से क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद मैंने लिया। नेक्स्ट ऑफसेट डिस्टेंस अगेन लीजिए 9 इंचज़ का मैंने लिया, अगेन आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद मैंने किया, अगेन आप इसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रिम कर सकते हैं ये पोर्शन, अगेन ये पोर्शन आप क्लिक करिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले हमें वॉशरूम निकालना है। वॉशरूम निकालने के लिए यहाँ पे छोटा वॉशरूम दे रहे हैं, तो 5 फिट का मैं वॉश एरिया देती हूँ यहाँ पे, 6 फिट का, 6 फिट का मैंने वॉश एरिया दिया, 6 फिट यहाँ पे लेते हैं, 6 फिट का मैंने वॉश एरिया दिया। अगेन आप ऑफसेट डिस्टेंस ले सकते हैं 4 इंचज़ डिविजन के लिए, 4 इंचज़ का मैंने ऑफसेट डिस्टेंस लिया। अगेन यहाँ पे आपको एक ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पर सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आपको ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया आप देखिए कितना है, कितने का आपको ड्रेसिंग एरिया होता है, सेलेक्ट किया आपने, 6 फिट का आपको सफिशियंट ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे 6x6 फिट मीन्स ये 6 फिट एग्जैक्ट आपका ड्रेसिंग एरिया मिलता है आपको। नेक्स्ट ये वॉशिंग एरिया आपको मिलता है, यहाँ पे मेज़र करिए कि कितना आपको एरिया मिल रहा है यहाँ पे, 16 फिट का एरिया है, 16 फिट का एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगेन आपको इसका ऑफसेट लेना है, ऑफसेट डिस्टेंस आप इसका लीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस आप लीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस आपको 6 फिट बाय 7 फिट का बना सकती हैं, 8 फिट का बना सकती हैं। मैं 8 फिट की वैल्यू देती हूँ, 8 फिट आप ले सकती हैं या फिर ऑफसेट लीजिए, ऑफसेट 9 फिट का वैल्यू मैं दीजिए प्लस एंटर, तो यहाँ पे 9 फिट का वैल्यू मैंने दिया। अगेन ऑफसेट डिस्टेंस लेके आप 4 इंचज़ का वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ से 4 इंचज़ का वैल्यू मैंने दिया, 4 इंचज़ का वैल्यू मैंने दिया। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको ट्रिम ऑप्शन यूज़ करना है, ये ट्रिम ऑप्शन
करना, इसे आप एक्सटेंड कर सकती हैं, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ। अगेन इस लाइन का आपको रूम का ऑफसेट लेना है, आप यहाँ पे ये आपके पास 16 का था ऑफसेट डिस्टेंस, आप ले लीजिए 14 फिट, एंटर 14 फिट का ये रूम का एरिया हमें मिलता है, यहाँ पे 14 फिट का रूम का एरिया मिल गया। यहाँ फिर सेलेक्ट करिए, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकती हैं, आप इसके बराबर ले लीजिए, एक्सटेंड कर लिया, आप चाहें इसके बराबर भी आप ले सकते हैं। ये आप डिलीट कर लिए, ये आप फाउंडेशन इसके अकॉर्डिंगली इसके बराबर ले सकते हैं, सिलेक्ट करिए, स्ट्रेच करिए, आपने सेलेक्ट किया ना, आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम ऑप्शन नाउ आप एरिया यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपको रूम का एरिया कितना मिल रहा है, रूम का एरिया मिल रहा है आपको 14 फिट का। अगेन देखेंगे यहाँ पे ये एरिया आपको कितना मिल रहा है, 14 by 16 का सफिशियंट रूम एरिया मिल रहा है आपको। वॉश एरिया अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाते तो 4 foot 11 का मिल रहा है, 5 foot, ठीक है। नेक्स्ट आपको 9 फिट, 5 foot by 9 foot का लंबा आपको वॉश एरिया मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ कितना लिविंग के लिए कितना एरिया मिल रहा है, किचन एरिया के लिए आपको कितना एरिया मिल रहा है, ये आप देखिएगा। इसे रख के आपने 33 फिट का आपको एग्जिट एरिया मिल रहा है, 33 फिट साथ में आप देखिएगा यहाँ पे ये एरिया आपके पास कितना बच रहा है। आपके पास यहाँ पे 22 फिट का एग्जिट एरिया, 22 फिट का काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है आपको 22 फिट का। नाउ 22 फिट का एग्जिट एरिया आपको मिलता है, ओके। नाउ हम यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर रहे हैं, आप पहले ऑफसेट डिस्टेंस ले लीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना है एटलीस्ट 3 फिट का ऑफसेट डिस्टेंस लेना है। फिर सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे मेज़र करके कि ये एरिया आपके पास कितना बचता है, क्लिक करिए, ये एरिया पे आपके पास बच रहा है 6 foot 5 inches का। अगर हम इसे 4 foot रखते हैं तो भी सफिशेंट एरिया होगा 4 foot का, इट मीन्स आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 foot 5 inches है। तो हम यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करिए, ऑफसेट डिस्टेंस लीजिए 2 foot 5 inches का आपको एरिया लेना है, क्लिक करिए, 2 foot 5 inches का ये एरिया हमें लेते हैं यहाँ पे। अगेन आपने जो कंस्ट्रक्ट किया होगा, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है, आप इसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे इस तरीके से मूव करेंगे। नेक्स्ट आपको ये 9 inches की बॉल आपको यहाँ मिल जाती है, ये जो एरिया है ये आपके पास ओपनिंग एरिया मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे आप वेंटिलेशन एंड स्पेस करते हैं, अगेन मैं ये सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसे आप कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप रोटेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, देखिएगा इस पॉइंट से आप रोटेट कर लीजिए, अगेन सेलेक्ट करके आप इसे मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, ये आपको विंडो मिल जाता है, विंडो मिल जाने के बाद आपके पास एक वेंटिलेशन भी है, वेंटिलेशन को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये मैंने वेंटिलेशन सेट किया यहाँ पे, ओके। हम किचन के लिए हमने एरिया बना लिया है, दिस इज ये हुआ आपका कॉमन वॉशरूम, हमने रेडी कर लिया था। एंड देन किचन के लिए हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया, देन हमें डाइनिंग एंड देन लिविंग रूम के लिए एरिया डिसाइड करना है। सो
हम एंट्रेंस सबसे पहले यहाँ पे एक बालकनी बनाना चाहेंगे, एक वरांडा बनाना चाहेंगे। तो ऑफसेट डिस्टेंस ऑफ 4 फीट का वरांडा एटलीस्ट ले सकते हैं, 4 फीट का वरांडा अगर ले लेते हैं या आप स्टेडियम 4 फीट का वरांडा आप ले सकते हैं। आप चाहें तो ये जो वॉल्स हैं एक सिंगल लाइन को आप यहाँ पर जो टच कर दीजिए, इस तरीके से फॉरवर्ड और कॉर्नर पॉइंट आप ले सकते हैं। एंड देन अगेन ये आप ट्रिम कर दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए। देन ये पोर्च एरिया आपका हो जाएगा। एंड देन नाउ हम अब डाइनिंग एरिया डिसाइड करते हैं। तो ऑफसेट डिस्टेंस आप लीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस हम ले लेते हैं एटलीस्ट 10 फिट का हम ऑफसेट डिस्टेंस ले सकते हैं। 10 फिट का हमने ऑफसेट डिस्टेंस लिया, 10 फिट का ये ऑफसेट डिस्टेंस हमने ले लिया। एंड देन 10 फिट का ऑफसेट डिस्टेंस लेने के बाद एक और आपको 9 इंचज़ का वॉल लेना है। 9 इंचज़ का वॉल मैंने ले लिया ऑफसेट में। ये आपका डाइनिंग एरिया हमने निकाल लिया। आप जब ये मेज़र कर चुके हैं तो आप इसे ओपन किचन विद डाइनिंग आप कर सकते हैं इसके लिए। देन आप किचन का अगर वॉल इंक्रीज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफसेट डिस्टेंस ले रही हूँ, ऑफसेट डिस्टेंस ऑलरेडी 9 इंचज़ हैं, मैंने इसे क्लिक किया है इसको। नाउ किचन के लिए हमें अब एक पॉली लाइन हम लेते हैं फ्रॉम दिस एरिया। यहाँ से हम 2 फिट ले सकते हैं। 2 फिट का ये रहता है अप्रॉक्स, हमने लिया ये 2 फिट हमने ले लिया। या फिर आप ऑफसेट ले लीजिए। ऑफसेट डिस्टेंस आप 2 फिट का ले सकते हैं। ये हमने यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस लिया एंड देन अगेन यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस लिया एंड देन अगेन यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस लिया। आफ्टर दैट आप टोटली सेलेक्ट करके जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ से ट्रिम करके चलिए। अगेन आप ट्रिम कर लीजिए। एंड देन अगेन मैं पॉलीलाइन का यूज़ करती हूँ। पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ से आप 11 फिट या फिर 10 फिट ले सकते हैं। मैंने ये 11 फिट लिया। 11 फिट लेने के बाद अगेन हम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रिम जो चीज़ें आप ट्रिम करना चाहते हैं वो चीज़ें आप ट्रिम कर सकते हैं। अगेन देन यहाँ से आपको एक ऑफसेट डिस्टेंस लेना है। ट्रिम कर लीजिए जो एरिया आपको नहीं चाहिए। ये हमने ट्रिम कर लिया। जो चीज़ें डिलीट कर सकते हैं आप उन्हें डिलीट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप नेक्स्ट हम देखेंगे। हमारे पास ये डाइनिंग एरिया आ चुका है। डाइनिंग एरिया आपने ड्रॉ कर लिया है। अगेन मैं पॉलीलाइन और लाइन का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हमें 3 फिट और 4 फिट का एरिया प्रॉक्सिमेट आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 फिट का एरिया मैंने लिया। 4 फिट लेने के बाद यहाँ पे 2 फिट अगेन मैं लेती हूँ ताकि सिटिंग के लिए एक एरिया आपको मिल जाए। अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अगेन आप सेलेक्ट करिए एंड देन ट्रिम ऑप्शन। अगेन आप एक स्क्वायर बॉक्स ले सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर। अगेन आप एक सर्किल लीजिए, इसे हम बेसिन के रूप में ले लेते हैं। नाउ अगेन आप एक रेक्टेंगल लीजिए और ड्रॉ हो गया आपका। नेक्स्ट अगर आप छोटे स्टूल्स अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टूल्स आप रखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपने ये सेलेक्ट किया एंड देन कॉपी ऑप्शन के थ्रू आप एक और यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। और तो ऑफ करिए अगेन ये साइड पे अगर आप रखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम इस एरिया को कवर कर देते हैं। अगर आप थोड़ा ओपन करना चाहें, ये जो फ्री स्पेस आपको दिख रहा है ये फ्रिज वगैरह एरिया के लिए। अगर आपको कुकिंग करनी है तो कुकिंग के लिए एरिया सफिशिएंट है। ये कुकिंग साइट आप ले सकते हैं, इसे कुकिंग एरिया आप ले लेंगे एंड देन सेलेक्ट करके ये कुकिंग एरिया के लिए आप इसे और कमांड कर लीजिए। कुकिंग एरिया आप इसे सेट कर सकते हैं जूम करके इस तरीके से।
इसको सेट कर लिया। फिर आपको इन शो करनी है, गेन आप ऑर्थोन का किस तरह से कॉपी कर सकते हैं गेन शो करने के लिए, इस तरीके से आप कैसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपने ले लिया। नेक्स्ट टाइमिंग अगर आपको चाहिए तो आप पॉलीलाइन लीजिए। पॉलीलाइन लेने के बाद फिर यहाँ से मैं ले लेती हूँ 6 फिट की डाइनिंग मैं ले लेती हूँ। यहाँ से 3 फिट हम टाइप कर लेते हैं एंड देन अगेन 6 फिट की वैल्यू आप लीजिए एंड देन अगेन यहाँ पे आप आगे क्लोज क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज किया आपने एंड देन अगेन सिटिंग्स आप अरेंज कर सकते हैं। आप सिटिंग अरेंज कर लीजिए, 2 स्टूल्स आप लगा लीजिए यहाँ पे कॉपी आपने रख लिया एंड देन अगेन इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी करिए, ये आप कभी यूज सकते हैं 2 और 3 ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ पे एंड देन अगेन 1 ऑफ बॉक्स को आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पर। ये अपने डाइनिंग स्पेस आपने देख लिया। डाइनिंग स्पेस अगर आपको ये डाइनिंग स्पेस आपने एंड देन सिटिंग एरिया अगर आपको चाहिए सिटिंग एरिया देख सकते हैं। यहाँ से डोर हम कट कर लेते हैं। डोर कट्स हमने नहीं किए हैं। डोर कट्स करने के लिए ये स्टेयर्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर स्टेयर शो करना है आपको ये किया मैंने स्टेयर का अगर आप रस देखेंगे 9 इंचेस का मैं ले लेती हूँ 9 इंचेस एंड ये मैंने ले लिया स्टेयर कंट्रोल जेड कर लिया कॉर्नर से ले सकते हैं। ये मैंने लिया 9 इंचेस में लेती हूँ एंटर कॉल कर लीजिए जिसके बाद चाहे वरांडा यहाँ तक भी ले सकते हैं या फिर वरांडा अगर आप यहाँ पे क्लोज करना चाहें तो यहाँ पे वरांडा क्लोज कर दीजिए ताकि ये जो लॉन का लुक है वो डायरेक्ट आए यहाँ पर। ये मैंने ले लिया ये सेलेक्ट करिए अंदर नेट्रिशन आपको ले लिया ओके। ये आपका ओपन वरांडा यहाँ पे आ जाता है ओपन वरांडा क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन आपको मेन गेट बनाना है मेन डोर बनाना है। मेन डोर के लिए हम यहाँ पे एरिया ले लेते हैं। मेन डोर आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मेन डोर आप यहाँ पर से कट कर सकते हैं। मेन डोर हम 4 फिट का बना सकते हैं 5 फिट का बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मेन डोर आपका ले रही हूँ 4 फिट का ये हमने लिया एंड देन अगेन आप एक लाइन चाहिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स के अगेन आप इसे सेलेक्ट करिए। मेन डोर यहाँ पर कट करके आपको शो करना है सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ये आपने चेक किया ये आपने मेन डोर शो किया है यहाँ पे मेन डोर शो कर सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मेन डोर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आप लाइन के थ्रू पॉली लाइन के थ्रू अगेन यहाँ पे डोर आपको कट करनी है। अगेन यहाँ पे आप रूम्स के डोर्स आप 3 फिट के ले सकते हैं। ये 3 फिट आपने कट किया अगेन आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए द एंट्रिंग ऑप्शन। सबसे पहले उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जिसको आपको ट्रिम करना है। अगेन आप सेलेक्ट करिए ट्रिम ऑप्शन ये आपने ट्रिम किया। अगेन डोर्स आप क्लिक कर लीजिए। वॉश एरिया पे जाने के लिए एटलीस्ट आपको 2 फिट का एरिया चाहिए। लाइन आप लीजिए। लाइन लेने के बाद ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे 2.5 फिट का एरिया मैं ले रही हूँ ये सेलेक्ट किया मैंने। अगेन आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये ट्रिम ऑप्शन आपने लिया ओके। नेक्स्ट यहाँ पे डोर हमने लिया देन सेलेक्ट करिए एंड देन ट्रिम ऑप्शन ट्रिम आपने लिया। आप चाहे तो ये शो कर सकते हैं यहाँ पे लाइन से डोर आपका यहाँ पर डोर। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे अगेन आप ट्रिम करिए वॉश एरिया के लिए। अगेन आपको वही चीज़ करनी 1.5 फिट आप वॉश के लिए डोर ले सकते हैं।
ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रिम करिए इसे, ये हमने ट्रिम कर लिया इस एरिया को। नेक्स्ट है किचन एरिया, हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे आप सिंपली शो करते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको विंडो शो करना है तो इस तरीके से आप विंडो शो कर लीजिए, इन ऑफसेट डिस्टेंस लीजिए। अगर आपको विंडो ऑफसेट डिस्टेंस शो करना है, आपका विंडो शो कर रहा है यहाँ पे विंडो आपका हो जाता है। नेक्स्ट अगर आपको सोफे शो करने हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिटिंग या कर सकते हैं। अगर आपको सिटिंग एरिया शो करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिटिंग एरिया शो कर लीजिए, यहाँ पर सिटिंग एरिया। नेक्स्ट ऑप्शन इसी तरह से आप कट्स यहाँ पे ढूंढ के देखें। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे अगेन आपको वॉश के लिए ओपन एरिया चाहिए। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद 2.5 फीट एरिया में देखते हैं। अगेन यहाँ पे सेम ऑप्शन 2.5 फीट एंटर किया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद एक साथ आप ट्रिम कर लें, अगेन सेकेंड ऑप्शन, हम यहाँ पर से डोर दे सकते हैं। अगेन आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद 2.5 फिट एंटर, यहाँ सेलेक्ट करें, अगेन एंटर। आप इस कॉर्नर से ले सकते हैं, 3 फिट का एरिया रूम के लिए लीजिएगा, अगेन एंटर। नाउ अगेन से आप ले लीजिए 2.5 फिट का एरिया ले लीजिए, सेलेक्ट कर लिया, अगेन एंटर। अगेन आप यहाँ से 2.5 फिट का एरिया कट कर लिए। नाउ ऑल ओवर सेलेक्ट करके आप ट्रिम कर सकते हैं, ये आपने ट्रिम किया। आपका ये लेआउट रेडी हो गया है, आप इसे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। लीनियर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 14 फिट है, 14 फिट बाय 16 फिट का एरिया है। आप टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर लीजिए सिंगल लाइन टेक्स्ट का। मैंने ले लिया, टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, कैप्स ऑन करके बैट एंटर प्रेस करिए। आपको 14 फिट 16 फिट इनटू 14 फिट करके प्रेस एंटर। यही सेम चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है एंड देन कॉपी। ये एरिया आप मेजर करके बता दीजिए, 11 फिट, 9 फिट करीब है आपका सेम। अगेन आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते, टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट कर लीजिए, 11 फिट इंटू 9 फिट। कॉपी
ऑब्जर्व कर लीजिए, लिविंग एरिया आप शो कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। या आपने ही टू फिट अगर आप डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई करिए टेक्स्ट पे, आप जाएंगे 4 इंचेस से यहाँ पे से जैसे 9 इंचेस कर सकते हैं। एंड देन ओके सेट करें 10 मिनट क्लोज, देखेंगे 20 फिट आ रहे हैं। यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक का एरिया शो करेंगे ये आपको शो करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट आप किचन में भी इस तरह से आपका एक लेआउट जो है वो रेडी हो जाता है। टू डी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट हम एंड लास्ट अब देखते हैं प्लॉटिंग। जो भी हमने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी लेआउट बनाना सीखा था, देखते हैं कि लेआउट को किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास प्लॉट ऑप्शन है। प्लॉट ऑप्शन के लिए आप पी एंटर भी करते हैं तो भी आपको प्लॉट ऑप्शन कमांड मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन आप प्लॉट यहाँ से क्लिक भी करते हैं। एंड देन व्यू पे अगर आप जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे व्यू या फिर आउटपुट ऑप्शन पे आप जाते हैं तो भी यहाँ पे आपको प्लॉट ऑप्शन मिल जाता है। इसका शॉर्टकट की आप कंट्रोल पी कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड, या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सो हम प्लॉट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक फाइल ओपन हो रही है। फाइल ओपन हो रही है, नेक्स्ट सबसे पहले नेम दिया हुआ है। अगर कोई नेम आप यहाँ पे देना चाहते हैं फाइल का तो वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आप प्रिंटर एंड प्लॉटर में देखिए आपके पास वन ऑप्शन है, बट आपको किस जेपी फॉर एग्जाम्पल आपको फाइल अगर जेपीजी फॉर्म में चाहिए या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ, जिस फॉर्म में भी आपको फाइल कन्वर्ट करनी है वो आप फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीडीएफ है, जेपीजी है, पीएनजी है, हम यहाँ पे चूज़ करते हैं जेपीजी फाइल। आप जेपीजी फाइल ले लीजिए और यहाँ पे मैं जेपीजी सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने जेपीजी क्लिक किया, जैसे ही आप जेपीजी क्लिक करेंगे, जेपीजी क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि यूज़ डिफॉल्ट पेपर और नॉट। तो आप थ्री ऑप्शन आपको मिल रहा है, डिफॉल्ट पेपर साइज, कस्टम पेपर साइज एंड देन कस्टम पेपर साइज एंड ऐड टू प्लॉटर। सो फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं डिफॉल्ट पेपर साइज, हमने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे प्लॉट एरिया सेक्शन में
व्हाट टू प्लॉट आ रहा है जो डिस्प्ले, फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे एज ए डिस्प्ले, जैसा डिस्प्ले आपको वर्क स्पेस पे दिख रहा है वैसा आपको प्लॉट करना है, या फिर आपको चूज़ करना है विंडो। सो हम विंडो ले लेते हैं, विंडो चूज़ करते हैं, विंडो हम क्लिक करेंगे। विंडो जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आपको फर्स्ट स्पेसिफाई कॉर्नर पूछ रहा है, तो हम फर्स्ट स्पेसिफाई कॉर्नर देते हैं एंड देन अपोजिट कॉर्नर पे आप क्लिक करें। ये हमने दे दिया। आप यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। सेंटर द प्लॉट कर दीजिए तो ये आपको सेंटर प्रीव्यू में आपको सेंटर करके शो करेगा। एंड देन नेक्स्ट अदर ऑप्शंस के लिए आप एरो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फिट टू पेपर पे आप मस्ट टिक रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे शेड प्लॉट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके, एज डिस्प्ले आपको चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, हिडन चाहिए, शेडेड चाहिए, तो हम एज डिस्प्ले रखते हैं जैसा हमको प्रिंट चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी पे आप जाएंगे तो अभी नॉर्मल क्वालिटी प्रिंट होगी, बट आपको कस्टम अगर आप करते हैं तो 300 DPI तक आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑप्शंस आपको दे रहा है ड्राइंग ओरिएंटेशन में। फर्स्ट पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में देखिए जिसमें फिट ज़्यादा अच्छे से फिट हो जा रही है आपकी ड्राइंग वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लैंडस्केप, अगर आप लैंडस्केप यूज़ करेंगे तो लैंडस्केप पे देख लीजिए, पोर्ट्रेट अगर करना चाहें तो पोर्ट्रेट देख सकते हैं। देन प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा। प्रीव्यू देखने के लिए आप देखेंगे प्रिंट होने के बाद, आप जूम करके भी देख सकते हैं, प्रिंट होने के बाद या फिर प्लॉट करने के बाद आपकी ये जो JPG फाइल रहेगी वो इस तरह से आपको शो करेगी। प्रीव्यू कैंसिल करने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस करिए। नेक्स्ट अगर आपको फिर से कोई चेंजेस आपको चाहिए तो फिर से आपको क्रॉस करके अगेन प्लॉट जाना पड़ेगा। प्लॉट जाने के बाद आप फिर से JPG फाइल क्लिक करिएगा। JPG मैंने लिया, यूज डिफॉल्ट पेपर साइज लिया। अगेन हम विंडो लेते हैं, विंडो हमने लिया, फिर से मैं यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ JPG का। ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, सेंटर द प्लॉट आप यहाँ से कर सकते हैं, पोर्ट्रेट पे कर लीजिए। नेक्स्ट कस्टम पे आप 300 DPI मैक्सिमम रख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू अगेन देख लीजिए, अगर आपको कंफर्म है कि हाँ ये प्रीव्यू बेस्ट है तो आप इसे एस्केप करिए एंड देन ओके प्रेस करते हैं तो ये फाइनल आपको फाइल सेव करने के लिए बोलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ड्राइव ई पे चले जाती हूँ, ड्राइव ई पे अपने फोल्डर पे मैं इसे सेव कर लेती हूँ, लेआउट फॉर द ट्यूटोरियल मॉडल JPG करके, एंड देन सेव पे क्लिक करिए। आप देखेंगे ये प्लॉट हो चुका है। आप फाइल मिनिमाइज़ करके जहाँ पे आपने सेव किया था, फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइव ई पे सेव किया था अपने फोल्डर पे, तो आप देखेंगे वो आपको JPG फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है इसका। नेक्स्ट आप इसे क्लोज कर दीजिए एंड देन सेव।